अगले कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। खुशामदीद, स्वागत है आपका, हमारी बहन का। बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है भाई साहब, ये जो तुमका सिरका अदरक लहसुन का बनाते हैं, इसमें डाल के मतलब उसमें प्लास्टिक के बर्तन में मिलाते हैं, वैसे मैं तो मिला नहीं सकते, तो इसको एक दिन के लिए ये उसमें ढक के रख दिया तो इसका ये उड़ जाता है क्या खुशबू जैतून के सिरके का? ठीक है, और दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है भाई साहब, आपके लिए खूब खूब धन्यवाद है, मैंने इतने लोगों को ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज करवाई है, सबको ठीक हो गया और मेरा तो एकदम ही ठीक हो गया, मतलब इतना अच्छा हो गया ना तो मेरे सिर में और आंख में और कंधे में, पीछे तो मेरा इतना सोजन आ रही थी, कमर पे, वो सब ठीक होगी बहुत अच्छी एकदम जी। और मैं सबको बताती रहती हूँ, करवाती रहती हूँ, सबको आराम हो जाता है 4-5 दिन में ही। अच्छा देखिए, आप समझ गई होंगी कि ये जो भगवान है ना, इसे जब किसी को इज्जत देनी होती है और ख़ास तौर पर मुझे, तो वो आप जैसी बहनों को अच्छा करता है, फिर आप और हम दोनों मोहब्बत करने लगते हैं भाई बहनों की तरह, और ऐसे लाखों लोग भगवान ने मुझे दिए हैं, तो ये फ़ायदा देकर हमारी इज्जत बना देता है। देखिए बहुत लोग आते हैं, और अक्सर जिक्र होता है कि बहुत लोग आते हैं दवाइयाँ बेच कर चले जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं क्योंकि मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ, और ये भगवान का बड़ा शुक्र है। और ये एक्सरसाइज हो या कोई दवा हो, ये जब तक मैं आपको शेयर नहीं करता, जब तक आप के साथ मैं इसको नहीं बांटता, जब तक मेरे हज़ारों लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच जाता, जब मैं देखता हूं कि 90% लोगों को फ़ायदा दे रहा है, तब मैं आप तक पहुंचाता हूं। और दुनिया में जो कोई दवा 60% फ़ायदा करती तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं जो भी नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें 90% या उससे भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। देखिए हमारा काम तो आपको पता है कि आपको मशवरा दे दिया दिल से, नियत से, अब हमारा काम ही ख़त्म। किसी को फ़ायदा नहीं हो तो भगवान से शिकायत करें, क्योंकि मैंने ईमानदारी से आपको नुस्खा बता दिया, आप लीजिए, खरीदिए, खाइए, मेरा इसमें कोई लालच नहीं। तो ये जो लालच ना होना, ये हमारे प्रेम को बढ़ाता है। और मैं भी आपके लिए बड़ी दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें और लोगों की सेवा करती रहें। आप मुझसे ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं और आपको सलाम करता हूं। बिल्कुल हकीम साहब, इनके सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या जैतून के सिरके की खुशबू उड़ जाती है अगर हम उसे प्लास्टिक या कांच में रख दें? हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया था, आपके आपसे मेरा ना जज्बाती रिश्ता हो गया है तो मैं आपका सवाल ही भूल जाता हूँ। वो तो ये है शैलजा जो याद करा देती है। और देखिए खुशबू उड़ती है, लेकिन इतनी नहीं उड़ती कि एक ही रात में उड़ जाए, कोई भी चीज़ आप निकालेंगे और ये उड़ने वाली चीज़ है, सिरका उड़ने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत हल्के हल्के। अच्छा, इसको मेटल के बर्तन में कभी ना रखें, मेटल के बर्तन में कभी भी ना रखें, शीशे के या प्लास्टिक के ही बर्तन में रखें, और इतनी तेज़ नहीं उड़ता, उसे कई महीने चाहिए पूरा उड़ने के लिए, तो एक दो रात रखेंगे तो बस ये आप बर्दाश्त कर लें, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर मैं एक बोतल का ढक्कन खोल दूँ इस स्टूडियो में, तो पूरे स्टूडियो में उसके बाहर भी जाने लगे, काफ़ी तेज़ होता है जैतून का सिरका। जो सिरकों में सबसे बेहतरीन सिरके होते हैं वो होता है जैतून, एलोवेरा और ये कलौंजी का सिरका, ये बेहतरीन सिरकों में कहलाते हैं, आप इसे इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।